दिल्ली मेट्रो की पटरियों पर दिखा ड्रोन, मौके पर पहुंची पुलिस, रोक दी गई सेवाएं। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर बुधवार को ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहीं। उत्तम नगर पूर्व और उत्तम नगर पश्चिम मेट्रो स्टेशन के बीच पटरियों पर एक ड्रोन के मिलने से ट्रेन की सेवा लगभग 30 मिनट तक बाधित रही। अधिकारियों के मुताबिक दोपहर 2:50 से 3:29 तक इस रूट पर ट्रेन सेवाएं रोक दी गई और ड्रोन को ट्रैक से हटा दिया गया। उत्तम नगर पूर्व और जनकपुरी पश्चिम के बीच और उत्तम नगर पश्चिम और द्वारका के बीच सिंगल लाइन ट्रेन सर्विस प्रदान की गई। अधिकारियों ने कहा कि इस दौरान ब्लू लाइन के बाकी खंडों पर दो लूप में ट्रेन सेवाएं उपलब्ध थीं, यानी जनकपुरी पश्चिम से वैशाली नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और द्वारका से द्वारका सेक्टर 21 खंड तक अफेयर शराब और फ्लाइट में पायलट और क्रू के बीच क्या क्या होता है एयर होस्टेज ने खोला राज। उन्होंने बताया कि सुरक्षा मंजूरी के बाद द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली तक पूरी ब्लू लाइन पर सामान्य सेवाएं दोपहर। पुलिस के मुताबिक उन्होंने मेट्रो ट्रैक पर एक संदिग्ध ड्रोन के बारे में सूचना मिली और वे मौके पर पहुंचे। आवश्यक अनुमति लेने के बाद CISF स्टाफ द्वारा ड्रोन को ट्रैक से हटा दिया गया। बाद में पता चला कि यह एक छोटा खिलौना ड्रोन था। हालांकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ड्रोन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और ड्रोन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।